हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झा ट्यूटोरियल। झा ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 23 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। अब फिफ्थ का पहला पार्ट जो है वो ए है बी है, जैसा कि मैंने लिख दिया है। देख के क्या कह रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालना आता है आपको, आई जे के 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 और 2 3 और माइनस 1 2 3 और माइनस 1। अब आई 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, -3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, फिर माइनस जे क्या। अच्छा, आपको ये आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं आता है तो पहले ये सीख लो, क्योंकि अब तो मैं सीधे करने वाला हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाता है। तो पर अगर एक बार नहीं आता है आपको तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे अगर नहीं आता होगा तो आप इससे पहले वाला क्वेश्चन कर ही नहीं पाए होंगे, फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ प्लस आई कैप, फिर लिखना माइनस आई कैप, प्लस फिर लिखना प्लस के कैप। आई कैप लिखना, डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना। आई कैप लिखोगे तो आई कैप वाले रो को ढक देना, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। फिर जे कैप लिखना, जे कैप वाले रो को ढक देना, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। फिर के कैप लिखना तो के कैप वाले रो को ढक देना, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ठीक है। और आई जे के ऐसे लिखना है, प्लस माइनस प्लस, पूरा फ्रंट डिटर्मिनेंट की तरह है। तो माइनस जे कैप यहाँ क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4, यहाँ क्या प्लस के कैप, यहाँ क्या 9 माइनस 2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप। अब क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस से मेरा मतलब है मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाएगा, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा आपको 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सारे स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे, फिर अंडर रूट ले लेंगे 7 का स्क्वायर। ये क्या हो गया 25, ठीक है, +1 प्लस 49 होगा। ये क्या हो गया 75। और 75 को आप कैसे लिख सकते हो, 75 को लिख सकते हो आप इस तरह से, 25 इंटू 3। 25 क्या होता है, अंडर 25 5 5 रूट 3 हो गया ये। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, +-1/5√3, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है ना, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। क्या होता है यूनिट वेक्टर, प्लस माइनस लगा दिया, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो इसलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी में भी ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, वही बात है, यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जे के स्केल टर्म क्या क्या है, 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3 1 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, आई -2 इंटू 2 2 माइनस 6, फिर माइनस जे कैप -1 माइनस 3 प्लस k कैप 2 प्लस 2। अगर आपको ये नहीं आता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो पहले आपको जाके सीखाओ। ये क्या हो गया, -4i प्लस 4j, ये हो जाएगा आपको +4k। अगर इसमें से हम लोग 4 कॉमन लें तो ये हो जाएगा -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सारे स्केल टर्म का स्क्वायर कर देंगे, फिर सबको जोड़ देंगे और फिर सबका अंडर रूट ले लेंगे, होगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये तो सीधे हो जाएगा 4√3। आप चेक कर लो, देखिए अगर 4 का स्क्वायर है इस तरह समझिए, देखिए इसको इसने आने में अगर आप पूरा सॉल्व करते हो तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। एक काम करिए, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, -4 का स्क्वायर रहे चाहे 4 का स्क्वायर रहे, आएगा 16 ही, बात बराबर ही है, इसलिए 4 का स्क्वायर कॉमन लिए। यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 1 प्लस 1 प्लस क्या हो गया, 3 4√3, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या, +-1/4√3, प्लस माइनस लगा देते हैं सिर्फ, डायरेक्शन अगर आगे ऊपर नीचे हो तो फिर कुछ दिक्कत ना हो। यहाँ i प्लस j प्लस k, ये
यही था, ये है क्या, ये क्या है, ये है आपको वेक्टर, और ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, हाँ फोर से फोर कट रहा है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 1/√3 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही रहा हमारा आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का थर्ड पार्ट हम लिख दिए हैं, देखिए a प्लस थ्री जे माइनस टू के और b क्या है माइनस आई प्लस थ्री के, माइनस आई प्लस थ्री के का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जीरो इंटू जे प्लस थ्री के, अगर जे वाला टर्म नहीं मतलब होना, वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर गायब हो गया यहाँ से, तो क्या करेंगे a क्रॉस b निकालेंगे, a क्रॉस b क्या हो जाएगा आई जे के, यहाँ क्या 1 3 माइनस टू, यहाँ क्या माइनस 1 0 3, आई कैप हो गया 3 × 3 9 माइनस 0 लिखेंगे ही नहीं, फिर माइनस जे यहाँ क्या 3 फिर माइनस 2 प्लस के 0 प्लस 3, ठीक है ये क्या हो गया, हो गया 9 आई कैप, अच्छा ठीक 9 आई कैप, यहाँ 0 माइनस 0 होगा, लिखेंगे ना लिखे बात बराबर है, वैसे हम बता दिए थे कि नहीं लिखे हैं, फिर भी अगर यहाँ लिखती है तो यहाँ लिखना चाहिए 9 आई कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस जे कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस जी के कैप, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा हम लोगों को, तो क्या करेंगे सारे स्केलर टर्म को स्क्वायर कर देंगे, फिर सबको जोड़ देंगे, फिर सबका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया 81 + 1 + 9, तो क्या हो गया 91, अंडर रूट 91, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस डाल दिया क्योंकि साइन डायरेक्शन अगर ऊपर नीचे हो जाए दिक्कत ना हो, 9 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट में ए हम लिख दिए हैं, बी हम लिख दिए हैं, इसमें वही काम करना है, वेक्टर निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालना होगा। अब ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी वही तरीका आई जे के, इसका स्केलर टर्म 4 2 - 1 4 2 - 1, और इसका 1 4 - 1 1 4 - 1 कैसे निकलता है, आई माइनस 2 प्लस 4 माइनस जे और माइनस 4 प्लस 1 प्लस के 16 - 2, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2i, ये हो गया प्लस 3j, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस 3 बचेगा, तो और ये क्या हो गया प्लस 14k, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या, सारे स्केलर टर्म का स्क्वायर करो, फिर उसको जोड़ दो, फिर सबका अंडर रूट ले लो, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको 4 + 9 + 196, ओवरऑल हो क्या गया, ओवरऑल हो गया 209 का अंडर रूट। तो n कैप यानी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा प्लस माइनस वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या है 2i + 3j + 14k, उसका मैग्नीट्यूड यानी 1/√209, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन में भी a और b दिया हुआ है, उसमें भी वही बात निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो a क्रॉस b तो निकालना ही होगा, a क्रॉस b निकालेंगे तो वही तरीका है अपना पुराना वाला, i j k 2 - 6 3 2 - 6 3 4 3 - 1, ठीक। अब क्या करेंगे, i -16 - 1 क्या हो जाएगा 6, और इधर क्या हो जाएगा 2 - 6 - 3 - 3, इधर क्या हो जाएगा -+9, ठीक। और यहाँ फिर माइनस जे कैप, और यहाँ क्या -2 + 12 + k कैप और 6 + 24, अब सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 15i कैप और -10j कैप और +30k कैप, 5 कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i - 2j + 6k। अब इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा, ये इसी से करते हैं ऊपर वाले से, 15 का स्क्वायर + -10 का स्क्वायर + 30 का स्क्वायर, देखिए इसलिए इससे नहीं किया होगी, इससे करने में थोड़ा सा आसानी होगा, कैसे बता देते हैं, कुछ आसानी नहीं होगा, मतलब एक ही टर्म में आएगा, ऐसे 5 इसमें कॉमन आ जाएगा ये वो, तो दिक्कत हो सकता है थोड़ा बहुत, इस ये दोनों बात बराबर है, हम लोग आंसर में डायरेक्टली ये लिखेंगे, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड निकाले इसमें इसको यूज किए,
तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 100 और प्लस 900, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 125, ये होता है 35 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट हो जाएगा 35। अब एन कैप क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या है ये, अब मैग्नीट्यूड क्या है 35 इंटू 5 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। देखिए ये कुछ कट रहा है ना, 5 ये 7 से कट जाएगा, मतलब 7 का मल्टीपल में है, 7 5 35 तो 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/7 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7th नंबर क्वेश्चन में भी ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ, लेकिन इसमें कुछ अलग कह रहा है, इसमें भी कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालना है लेकिन 6 यूनिट का, इसको यूनिट वेक्टर नहीं कहना चाहिए, एक वेक्टर कहना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो, वो निकालना है। तरीका हो गया, तरीका ये होगा कि हम लोग जैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं वैसे यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो वेक्टर होगा वो एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड है 6, समझ गए आप लोग। अब यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, ए क्रॉस बी निकालिए सबसे पहले, तो सबसे पहले उसके फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर उससे उसको डिवाइड करिए, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो आई क्या जाएगा आई जे के 4 - 1 = 3 4 - 1 = 3 -2 1 - 2 सॉल्व किया जाए तो आई कैप यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 3 माइनस जे कैप -8 + 6 और प्लस के कैप और 4 - 2 सॉल्व किया जाए इसको क्या हो जाएगा -i कैप + 2j कैप + 2k कैप। जब ये हो जाएगा तो फिर ए क्रॉस बी निकालना आसान हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। अब जब ये हो जाएगा तो ये क्या हो गया 1 + 4 + 4, और ये तो अंडर रूट 9 हो गया, अंडर रूट 9 क्या होता है 3। अब इसका हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, अब आपसे अच्छा कोई यूनिट वेक्टर निकालना तो आता नहीं है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर क्या है ये -i कैप + 2j कैप + 2k कैप। अब आई उसका मैग्नीट्यूड यानी 1/3, अब देखिए भाई उसका मैग्नीट्यूड है, ये तो यूनिट वेक्टर, अब इसलिए हम लोग 100 यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट इज इक्वल टू, ये यूनिट वेक्टर है, अब इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक वेक्टर हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 है, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, इसलिए अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो 6 × (+-1/3) यहाँ क्या -i कैप + 2j कैप + 2k कैप, देखिए 3 से कटा 2 हो गया, ये क्या हो गया +(-2) - i कैप + 2j कैप + 2k कैप, यही हो गया है कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, जो कि इस दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब देखिए 8th नंबर क्वेश्चन में कुछ अलग कह रहा है, 8th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, और ये कह रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालिए इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, यानी ये क्वेश्चन कुछ अलग स्टेप का है। सबसे पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना होगा, और फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना होगा, फिर इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना होगा, उस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जो वेक्टर आएगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही वेक्टर होगा, एक वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा i + j + k प्लस क्या i + 2j + 3k। अब जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 2i + 3j + 4k होगा। अब a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो i + j + k और माइनस ये वाला i + 2j + 3k, देखिए ये तो 0i हो गया, अब -j कैप - 2k कैप। अब क्या करना होगा, इसका निकालना होगा हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको आई जे के 2 - 3 = 4 - 0 - 1 - 2, ये क्या हो गया i - 6 + 4 और -j कैप - 4 - 0 + k कैप - 2 और -0, क्योंकि 0 से कुछ को मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2i, ये हो जाएगा 4j, ये हो जाएगा -2k। इससे हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे तो i + 2j - k,
अब फिर क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके सारे स्केलर टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, फिर सबको जोड़ते हैं और फिर अंडर रूट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसी से करते हैं, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत। -2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर अब -2 का स्क्वायर। मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, आप लोग समझ जाना। तो -2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 4, ये तो हो गया भैया √24। √24 को लिख सकते हैं 6 × 4, 4 क्या हो गया 2 √6, मतलब 4 का अंडर रूट हो गया 2 √6। अब एन ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर भाई उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या था ये +(-2) -i कैप +2j कैप -k कैप, और यूनिट उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1/√6, 2 से 2 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो वेक्टर क्या आएगा +(-(-i कैप +2j कैप -k कैप √6। तो यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इज, ये यूनिट वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे ये जो होगा, तो जो वेक्टर आएगा हमारे पास वो एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। तो इज इक्वल टू +(-5/√6, इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, -i कैप +2j कैप -k कैप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंगल निकालना ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, जैसे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो दिया हुआ है आपको √3। तो एक बार जानते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 3, बहुत बढ़िया। और क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर निकालना है, एक मतलब साइन थीटा निकालना है, एंगल निकालना है विथ मैग्नीट्यूड 1 और 2। ए और बी का मैग्नीट्यूड जो है 1 और 2 है, तो 1 × 2 × 2 या ना, तो बहुत बड़ा, मतलब यहाँ इंटू का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, मतलब यही समझो, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू का साइन यूज करते हैं हम लोग आज तक बचपन से, तो इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा √3/2, और तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा π/3। यही रहा हमारा आंसर, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।